जोरदार ताली बजाओ नेपाल के सनातनियों के लिए, वो सच्चे सनातनी है। उतर गए हैं सड़क पे, कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, कहते हैं हमें वापस हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम नहीं रहना चाहते इस खामा खा के झूठे सांचे प्रलोभन में। आज वो सब सड़क पे हैं। विधर्मी लोगों ने 80% रहने वाले लोगों के यहां पर जाके उनकी साथ मारपीट की, तो वो सब इकट्ठे हो गए और आज पुनः नेपाल में पूरे सनातनी इकट्ठे होकर कहते हैं हमें वापस से हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें चाइना की गुलामी नहीं करनी, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो चाइना की गुलामी करते। उन लोगों ने खुल के सड़क पर उतर गए और आई एम प्राउड ऑफ देम, मैं उन पर प्राउड करता हूं कि आखिरकार वो 8-12 साल की गुलामी, 8 तक तो हिंदू राष्ट्र ही था वो, 8, 2, 10 और 3, 15 साल में उन्हें समझ में आ गई कि हमारे यहां पर ये सिस्टम सेट नहीं होगा, अगर ये सिस्टम रहा तो हम लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो वापस 15 साल में ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। यहां 75 साल हो गए, पता नहीं हमें कब समझ में आएगी कि हमें सनातनी राष्ट्र चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए, हमें कब समझ में आएगा। मेरी पूरी संवेदना नेपाली भक्तों के साथ है, नेपाल के सनातनियों के साथ है, हमारी जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे और हम भी आवाज उठाएंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र नेपाल चाहिए। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी ये भारत भी सनातन राष्ट्र बन जाए। एक बात समझ लो, सनातन राष्ट्र में नुकसान किसी का नहीं है। और ये जो आजकल चल रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा राष्ट्र है हमारा, जनतंत्र लोकतंत्र है हमारे देश में, यही ना। एक बात बता रहे हैं, जब तक तुम्हारी संख्या ज्यादा है तभी तक जनतंत्र और लोकतंत्र है, जिस दिन तुम्हारी संख्या कमजोर वही ना, तो एक ही तंत्र चलेगा, तलवार तंत्र, और फिर धरे के धरे विराज हो गए तुम्हारे ये तंत्र और वो तंत्र। कहीं भी जाके देख लो, समझदार वही है जो समय रहते जाग जाता है। नेपाल के सनातनियों से सीखो और आवाज बुलंद करो और पूरे देश में ये राष्ट्रव्यापी बातें कहो कि हमारे देश को भी सनातनी राष्ट्र होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना खान पान सुधारना पड़ेगा, नकली हिंदू नहीं बनना पड़ेगा, असली हिंदू बनना पड़ेगा। अगर असली हिंदू बन जाओगे तो काम बन जाएगा, कसम से। जिस दिन 100 करोड़ हिंदुओं ने सोच लिया कि हम नकली नहीं, हम असली हिंदू बनेंगे, मैं दावे से कहता हूं वो अगले दिन ही ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सनातन राष्ट्र बन जाएगा, अगले दिन ही। अब भाई तो हम नकली बने पड़े भैया, कुछ भी आता है खा लेते हैं, कुछ भी आता है देख लेते हैं, कुछ भी आता है सुन लेते हैं, कोई भी बुलाए वहीं चले जाते हैं, कोई कुछ भी दे दे वही पी लेते हैं, कोई भी आ जाए उसे हैंडशेक कर लेते हैं। ये नकली हिंदुओं का काम है, असलियों का नहीं। असली तो देखते हैं कि हाथ मिलाने लायक है कि नहीं, असली तो देखते हैं कि ये खाने लायक है कि नहीं, असली तो देखते हैं ये पीने लायक है कि नहीं, असली तो देखते हैं कि ये जगह जाने लायक है कि नहीं, असली तो देखते हैं कि इस व्यक्ति से बोलना चाहिए कि नहीं। बोलना भी उसी से है जिससे बोलने से मेरा धर्म आगे बढ़े, और जिससे बोलने से मेरा धर्म पीछे रह जाता हो उससे तो पीछे ही मुझे हट जाना चाहिए। यही सच्चा हिंदू है, यही सच्चा सनातनी है। आओ मिलकर अलख जगाएं, आओ मिलकर अलख जगाएं, अपने कृष्ण का शंख बजाएं, चाहे दुनिया जो समझे मुझे, आओ मिलकर सनातन राष्ट्र बनाएं, हिंदू राष्ट्र बनाएं।